हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। ऑब्जेक्ट पावर पॉइंट में अलाइनमेंट्स, गैजेट्स, स्पेसिंग, ये सब होते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट्स जो होते हैं आपके एलिमेंट्स, वो होते हैं आपके तीन प्रकार के, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जिसमें आप अलग अलग प्रकार से उनको यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें कैसे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेलेक्शन बॉक्स पे क्लिक करना होगा, या फिर आप माउस से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब से आप अलाइनमेंट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपके अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस टाइप से आपके हमारे सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में से जिस अलाइनमेंट्स को हमें मैटर पर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मिडिल पर क्लिक करना है, मिडिल पर करेंगे। लेफ्ट पर करना है, हम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे। साइड में यदि उसको अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही स्टेप्स रहेंगी। आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इसके बाद में यहाँ से हमें अलाइन से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अलाइनमेंट को लेना है। नेक्स्ट कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट के आसपास एक सिलेक्शन बॉक्स होता है जिसमें माउस से क्लिक करना है, और फॉर्मेट टैब से अलाइन कमांड पर क्लिक करना है। अलाइन टू साइड या अलाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ग्रुप कैसे बनाते हैं उसमें, पावर पॉइंट में ये ग्रुप होता है आपका। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब से ग्रुप कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ग्रुप कमांड पे आप क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस टाइप का एक बॉक्स आएगा। फॉर्मेट पे क्लिक करने पर एक ग्रुप है, ग्रुप में ये आपके ऑप्शंस हुए, ग्रुप, रीग्रुप और अनग्रुप। इसको ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक, यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हैं आप चाहें तो। यदि आपके ऑब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं या फिर उस पर, तो उस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और उसको अपने इच्छा अनुसार कहीं भी यहाँ से वहाँ लेकर जा सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, तब आपका ये अनग्रुप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो आप वहाँ से उसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। चार्ट, पावर पॉइंट में चार्ट जो होते हैं वो एक उपकरण है जिसका यूज डाटा को ग्राफिक्स रूप से शो करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन में चार्ट का यूज डाटा को कंपेयर करने के लिए भी किया जा सकता है। चार्ट जो होते हैं वो इस प्रकार से हैं, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस, है ना, एस आदि। अब चार्ट को इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, चार्ट को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देने लगेगा, जिसमें आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी। उस पर चार्ट को सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करना। देखिए इस टाइप से एरिया चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई, इन टाइप से आपको आपको सर्कल्स मिलेंगे। ठीक है, हमें स्लाइड का यदि बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको स्लाइड को सेलेक्ट करना है। नॉर्मल जो स्लाइड्स होती हैं आपकी, वाइट बैकग्राउंड्स यूज करती हैं, है ना। स्लाइड्स को बैकग्राउंड में स्टाइल में आप चेंज कर सकते हैं, उसमें ग्रेडियंट डाल सकते हैं, पैटर्न डाल सकते हैं, पिक्चर्स को यूज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, स्लाइड को सेलेक्ट करना है, डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड कमांड को सेलेक्ट करना है। देखिए ये डिज़ाइन टैब, यहाँ से ये फॉर्मेट बैकग्राउंड कमांड। ठीक, फॉर्मेट बैकग्राउंड पैनल को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन आएगा सॉलिड फिल, इस टाइप से। इस रेडियो बटन, ये रेडियो बटन कहलाती हैं, इन रेडियो बटन में से किसी भी एक को सेलेक्ट करने पर उनके ऑप्शन जो होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। स्लाइड को जो आप, जैसे आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे, वो आपके स्लाइड में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। एनिमेशंस देना है आपको, तो एनिमेशंस नॉर्मली आपके चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में या क्लिप आर्ट में आप उसमें साइज चेंज कर सकते हैं। डायग्राम्स, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट में एनिमेशंस को डाल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशंस का यूज़ क्यों किया जाता है, स्लाइड को आकर्षित बनाने के लिए। ठीक, जैसे फर्स्ट है आपका प्रवेश, यह जो होता है इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड में एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एम्फेसिस, ये एनिमेशन तब यूज़ किए जाते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्लाइड पर होता है। ठीक है,
इससे माउस क्लिक करके ट्रिगर होता है। जैसे जब आप माउस को क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, स्पिन आकार में सेट हो जाएगा। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। आप फ्लाईआउट से भी बाहर निकाल सकते हैं, स्प्लिट से भी निकाल सकते हैं, विप से भी। यह नियंत्रित करता है कि वस्तु की स्लाइड कैसे बाहर निकलेगी। मोशन पाथ ये इम्पेसिस के प्रभाव से के ही इक्वल होता है, पर इसमें ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट की स्लाइड होती है वो अंदर से बाहर किस मार्ग से आएगी। ये देखिए, लाइन्स के रूप में भी आ सकती है, टर्म्स के रूप में भी आ सकती है, ओवल शेप में भी, लूपिंग में भी और कस्टम पाथ में भी। इसके बाद एनिमेशंस को हमें स्लाइड में डालना कैसे है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिन्हें हम एनिमेट करना चाहते हैं। इसके बाद एनिमेशन टैब पर क्लिक करना है और वहां से एनिमेशन ग्रुप को लेना है। जैसे हम एनिमेशन टैब पर क्लिक करेंगे इस टाइप से विंडो हमारे सामने होगी। एनिमेशंस को देखने के लिए, उसका इफेक्ट देखने के लिए इस टाइप से ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी। ये देखिए, जैसी लिस्ट आएगी आप एनिमेशन उसमें डाल सकते हैं। इफेक्ट जो होगा वो आपके ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा। यह देखने के लिए आपके पास एक एनिमेशन ऑब्जेक्ट के पास एक छोटी सी संख्या में, ये देखिए, ये इस टाइप से दिख रहा है आपको, 1 2, जितने एनिमेशंस डालेंगे आप उतने एनिमेशंस ही आपके सामने वहाँ पे शो होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।